ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने आप की किसी से तुलना करके आज अपने आप को किसी से भी छोटा मत समझिएगा। कोशिश कीजिएगा आज जानने की कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और फिर उसकी तरफ चलना शुरू कर दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई डिसीजन लेने में दुविधा हो रही हो तो किसी से सलाह करने में कोई बुराई नहीं है। आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे इसके लिए आपको अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आज त्यागना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज तेजी से काम करने की आदत बनाइएगा। नए रास्ते खोजने, नए विकल्पों पर विचार करने में संकोच मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, गीता जी हैं आबू रोड से, जो कि अपने भतीजे के लिए जानना चाहती हैं। इनके भतीजे की जन्म की तारीख है 13/4/1992। उनका जन्म का समय है रात का 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं अपने भतीजे के बारे में जानना चाहती हूँ, उनके शादी का योग नहीं बन रहा है, कितने ही साल हो गए, 4 साल से देख रहे हैं कहीं योग नहीं बन रहा है। देखो बेटा, पहली चीज तो ये है कि आपकी जो ये भतीजे की जो आपने डिटेल भेजी है उसमें पहली चीज़ ये है कि इनका मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है और गणमूल नक्षत्र में आने के कारण पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। तो इस बच्चे के माता पिता से पूछिएगा कि ये पूजा करवाई है कि नहीं करवाई है। यदि नहीं करवाई है तो इस पूजा को करवा लीजिएगा। जन्म कुंडली में इनके सप्तम भाव का जो स्वामी है वो वहाँ पर सूर्य उच्च का होकर बैठा है। निश्चित तौर पर पूर्ण विवाह का योग बनेगा और इसी साल के अंदर इनका विवाह योग बन सकता है, क्योंकि वैसे सूर्य की महादशा शनि का अंतर चल रहा है। जुलाई के पश्चात जो भी समय आएगा इसी वर्ष जुलाई के पश्चात में उसमें तय होगी। विवाह का भी तो बहुत छोटा है, कोई इतनी बड़ी भी उम्र नहीं हो गई कि आप बिल्कुल ही सीरियसली होकर चिंता करने बैठ जाए। बुध नीच का है जन्म कुंडली में, वजन के बराबर गुड़ लीजिएगा, गौशाला जाइएगा, गाय को खिलाइएगा, ये प्रार्थना करते हुए कि इसके भाग्य में जो रुकावटें हैं वो दूर हों, ये दो चीजें करिएगा आपको फायदा होगा। चलिए अब जानते हैं कि मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी समस्या से बहुत अधिक आपको परेशान नहीं होना है। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आज उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित तौर पे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पार्टनरशिप का यदि आज आप काम करते हैं तो आपको फायदेमंद रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को बिस्कुट के पैकेटों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि कोई बात आपको उचित नहीं लगती हो तो उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी विचारधाराओं को अत्यधिक रूप से त्यागना जरूरी नहीं है, जब तक कि वो आपके और आपके अपनों के लिए हानिकारक साबित ना हो। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी के मंदिर में एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसे आप कुछ समय से टालते आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो उस विषय को आज निपटाने का प्रयास कीजिएगा, सहजता से उसका समाधान भी आज आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों ये तो राशियों की बात हुई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जो हमारे यंगस्टर जो दर्शक हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनसे संबंधित टॉपिक है। आप सब ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए आपके जो पहनने वाले कपड़े हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कैसे कपड़े पहनते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका भी हमारी लाइफ में बहुत असर होता है। दोस्तों इन दिनों
हमारे जो देख रहे हैं सभी जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में फटी हुई जीन्स पहनने का ट्रेंड देख रहे हैं, फेडेड जीन्स हुई, फटी हुई जीन्स, कहीं घुटनों से फटी हुई है तो कहीं कहाँ से फटी हुई है। वास्तुशास्त्र का एक रूप होता है फेंगशुई शास्त्र, उसमें इसे काफ़ी बुरा माना गया है और कहा जाता है कि इस तरीके के फेडेड कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनने से जो है वो हमारे लिए बैड लक लेकर आते हैं। यही नहीं, इनफैक्ट कोई भी फटा हुआ या फेडेड कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए, फिर वो चाहे कितना ही फैशनेबल क्यों ना हो। इस तरह के कपड़े पहनकर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भले ही अच्छे लगे, सेल्फी खिंचवाएं, लेकिन मान के चलिए कि ये आपके गुड लक को बैड लक में बदल सकता है। तो इस तरह के कपड़े पहनना जो है वो दरिद्रता को न्योता देना है। यह सिर्फ बाहर जाने को लेकर ही बुरा नहीं माना जाता, बल्कि अपने घर पर हैं या घर में भी काम करते हैं तो भी आपको फटे हुए पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि कोई आपको कहे कि बेटा आज आपको बनियान जो है वो फटी हुई पहननी है, आप पहन के देखिए, दूसरे दिन आप उठा के फेंक देंगे कि मैं फटी हुई बनियान क्यों पहनूंगा। लेकिन बाहर आप फटा हुआ कपड़ा पहनने के लिए तैयार है। इसके अलावा जब आप रोजाना सुबह उठें तो आपको सबसे पहले अपनी नाइट ड्रेस को उतारकर कुछ प्रॉपर और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आंखों को अच्छा लगे। ऐसा करने से क्या होगा, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाएंगे और जब आप ऐसा रोजाना करने लगेंगे तो आपके लिए गुड लक भी लेकर आएगा। सुबह सुबह उठ के अच्छे कपड़े पहन के कांच के सामने खड़े होकर देखिए कितने सुंदर लगेंगे आपकी आंखों में, तो आप सबसे सुंदर इंसान हैं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छी स्माइल से कीजिए, साफ सुथरे कपड़ों के साथ करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कपड़ों को धोने के बाद उन्हें हमेशा धूप में सुखाना चाहिए। क्यों, छांव में सुखाने से उसमें वाइब्रेंट एनर्जी नहीं आती और धूप में सुखाते हैं तो निश्चित तौर पर उन कपड़ों में वाइब्रेंट एनर्जी आती है। धुले हुए और सूखे हुए कपड़ों को कभी भी रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। रात भर सूख रहे सुबह ले आएंगे ना, रात में इतनी नेगेटिव एनर्जी हो जाती जो कपड़ों में आ जाती है और कपड़ों से जब हम उन कपड़ों को पहनते हैं तो उसका असर हम पर भी होता है। बोले पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या वास्तव में? अक्सर ऐसा होता है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कम से कम एक बार अपने बिस्तर के तकियों को, गद्दों को धूप में अवश्य रखिए। न केवल उनमें जमे हुए जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो मरते हैं, बल्कि अच्छी वाइब्रेशन, जो धूप की जो वाइब्रेशन है वो भी आती है। अगर घर में कोई बीमार है तो व्यक्ति जिस बेड पर रहता है उसके गद्दे और चादरों को भी धूप दिखानी चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल सके। तो इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी और खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि ऐसे फटे हुए कपड़े वो नहीं पहने। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।